अरे बोर्ड लगे वहां पे। डैमेज डैमेज ओ पूजा। अरे कोचिंग आ जा कोचिंग। अरे कोचिंग जा। अरे बोटा कोचिंग आ जा पूरा पूरा कोचिंग आ जा। अगर तू एक मां को जा ऐसा तो जी पूजा सेकंड में आ जा। माइक बंद करो तो देखो यार ऑल पे मेरा भी माइक रहता है और जैसी एक लड़की बोलती है उसके बाद जो ही ऊपर ऑल पे इतने सारे लोग बोलने लग जाते हैं और सही में वो एक क्लिप वो दिखा भी नहीं पा रहा क्योंकि बहुत उल्टा सीधा बोला। एंड सिंपल क्या था कि वो लड़की थी वो चैलेंज कर रही थी ऑल पे कि यहाँ पे आ जा हम मार के दे मतलब तुम्हारी लूट ले लेंगे ऐसा वैसा। तभी मैं कुछ लड़े मतलब ऐसा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे फाइट की भाई क्या ही बोले। एंड भाई आज का जितना गेम प्ले सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं बहुत ही टेढ़ा जाने वाला है आज का गेम प्ले भाई साहब आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अरे यहाँ पर वो लूटते हैं और चलते हैं इनको फटाफट से मारते हैं। अब यहाँ की फाइट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बंदा बहुत ज़्यादा गलत वाला काम करता है और अगर आप लोगों ने आखिर तक फाइट देख ली आप भी बोलोगे क्या ही मैच था। लेकिन यार उससे पहले आप सभी यार कोडा शॉप के बारे में बहुत अच्छे से तो जानते होंगे जहाँ से आप अपने बीच में QC बाय कर सकते हो बहुत ही ज्यादा सेफ तरीके से। और साथ ही यार आप सभी को कोडा शॉप से UC परचेज करने पे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा UC भी मिलेंगे। साथ ही कोडा शॉप से यार UC परचेज करना भाई सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ईजी तरीका है मतलब बीच में UC परचेज करने का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया कोडा शॉप की टॉप पे मिलेगी आपको जल्दी से जाओ। यार जो कोडा शॉप से UC लेने का तरीका बहुत ही ज्यादा ईजी है आपको सिंपल करना करता है कोडा शॉप पे आना अपनी BGMI की ID को यहाँ पे डालना है कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैं कॉपी पेस्ट अपना कर लेता को तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा ज्यादा यूसेज चाहिए तो यहाँ पे 6000 वाली ले रहा हूँ मैं और यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके बाय नाउ पे क्लिक करके और जैसा भी मेरा UPI या फिर पेटीएम जो भी आप पे जो सब ये यहाँ पे यूज कर सकते हो मैं जैसे UPI कर रहा हूँ बाय नाउ पे क्लिक कर जैसे नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि किस अकाउंट में UC आ रही तो Neon X51 हाँ मेरे अकाउंट में UC आ रही है। और जो भी चीज डिटेल फिल करके यहाँ पे आप लोग अपने जिस भी पेमेंट मेथड से सेलेक्ट किए हो उसे पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ फटाफट से। यहाँ पे प्रोसेसिंग चला मेरा पेटीएम के थ्रू UPI था तो यहाँ पे UPI पे जाते हैं और फटाफट से अपने पेमेंट को डन करते हैं और 7500 यस फाइनली जो मेरी UC थी कंप्लीट हुई यहाँ पर और जो मेरी पेमेंट थी फाइनली कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे मेरा अकाउंट में UC देखे तो हाँ भाई अभी 8 UC है और कुछ ही देर में ये अकाउंट में 8000 UC होगी। साथ ही आप लोग कोडा शॉप को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को फॉलो कर लो ताकि जो भी ऑफर्स आते हैं वो सबसे पहले आपको पता लग पाए। साथ ही अभी कोडा शॉप यूट्यूब पे भी आ चुका है तो यार फ्यूचर टूर्नामेंट्स देखने के लिए आप कोडा शॉप को यूट्यूब पर भी फॉलो यानी सब्सक्राइब कर सकते हो। और जितने भी अभी आने वाले टूर्नामेंट्स होने वाले वो कोडा शॉप के ऑफिशियल चैनल पर लाइव होने वाले तो उसके भी चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मीन्स कोडा शॉप के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। साथ ही इंस्टा और फेसबुक की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप कोडा शॉप से टॉप अप करना चाहते हो अपने अकाउंट में UC लेना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको एकदम टॉप में मिलेगी। सो गाइस लिंक एक बार जरूर से चेक कर लो सबके साथ। अब देखो यार नॉर्मल सी बात है भाई सब यहाँ से लूट के नीचे भाग जाते हैं लेकिन मैंने इस बंदे को जो ही मारा है आखिरी एजिस पे अब ये बंदा लूट के उड़ा तो देता हूँ लूट तो लेता ही है भागने की कोशिश करता और बस एकदम एज पे जाके बंदे की पूरी पेटी चमका दी मैंने पेटी डाल दी भाई मतलब देख रहे हो कहाँ मरा है बंदा ये भी गाली दे रहा होगा भाई थोड़ा सा सेकेंड रुक जाता मैं खुद भाग जाता यहाँ से क्या बोले भाई खैर अजीब लगा मेरे को भाई इस बंदे के लिए। बट अब जो होने वाली है नीचे क्या फाइट होने वाली है कैसी होने वाली है तो खुद ही देख रहा भाई साहब बहुत गलत लेवल की फाइट होती है सिर्फ एक लड़की के चक्कर में एक नहीं काफ़ी सारी लड़कियां होती है इसमें तुम नाम पढ़ते जाना किस किस को मार रहा हूँ मैं। अब स्टार्टिंग तो यही से हो जाती है जॉर्जियो पुल से यहाँ पर मैं गाड़ी डांसे लेता हूँ यहाँ से और डांसे लेकर सीधे हम जॉर्जियो पुल एंटर मारते हैं और जॉर्जियो पुल में पहले से ही बंदे होते हैं दो बंदे वेयरहाउस रुक रुकना तो बोलना अरे मैं आगे आता हूँ घुमा के हाँ हाँ अरे पीछे भी बॉट है बॉट बॉट हेलो अरे इसका नाम है हीलिंग पीछे से ओके ओके हील करो अंदर हो गया तो देखो इस टीम में भी एक एंजल करके लड़की थी तो मुझे नहीं समझ आया था कि जो ऑल पे माइक कर रखा था वो कौन है भाई अब क्योंकि देखो भाई अभी इस टीम में एक एंजल करके मारा वो कौन है मुझे नहीं मालूम अब और भी कोई है इस मैच में या फिर इतने में ही काफ़ी कि मतलब दो लड़कियां आई हैं भाई लेकिन
तुम बस आगे देखते जाओ क्या से क्या होने वाला है इस मैच में। कितना डैमेज हो गया, फुल स्क्वाड है। ऊपर लेटा होगा पीछे, एक तो मर गया पीछे वाला, ये ग्रीन वाला पर अभी भी है। रुक जाओ, जस्ट मॉल उस घर में ऐसे पैनिक रूम में है आई थिंक, या फिर ऊपर है। और यार ये जो बंदा था इतना शांत बैठा था कि एक टाइम के लिए मुझे ऊपर नेट फेंकने से पहले सोच रहा था कि यार नेट बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था इस घर में एक और बंदा बैठा हुआ है। लेकिन जैसे हम ऊपर आए नेट डाला भाई, अब इनमें से ही एक बंदा ये भी होता है जो ऑल पे माइक रखता है और उल्टा सीधा बोल रहा होता है। ये शायद रिकॉल करने आया था और बंदा है, बंदा है, गाड़ी है, गाड़ी है। सामने रुका है, सामने रुका है। अरे जाम कर रहे, और देखो पीछे जो जंप कर रहे थे उनको तो हमने छोड़ दिया, लेकिन शायद ये उसी के टीममेट्स थे। मुझे नहीं यार, कुछ बहुत कंफ्यूजन होते जब ये दो तीन बंदे एक दूसरे साइड से आते हैं ना, तो मुझे लगता है दो दो टीम आके रश मार रही हम पे। एंड जिसको मारा उसका भी नाम भाई एक लड़की वाला ही था, माधवी करके आई थिंक नाम। तो भाई साहब कितने लड़कियाँ इस मैच में, मतलब क्या बोले यार। एंड अब देखते जाओ कब किससे कहाँ फाइट होने वाली है, अब आगे चलते हैं। अपनी गाड़ी में फ्यूल, इसकी बदली अच्छी है क्या? ये टूटी हुई गाड़ी है ना, इसके पीछे दिखा ये गाड़ी जा रही। कहीं वो ना सारी वो ही है, सारी नहीं अलग यार बेचारे पूजा यही था। अब देखो जिसको मैंने मारा इसका नाम ब्लेन पे आया, लेकिन जिन लोगों को मैंने मारा उनको भी मजा आ गया। एक मिनट, कितने सेकंड में ये पूरी टीम गई एक बार जरूर से कमेंट करके बताना, कितने सेकंड में पूरी टीम आई और खत्म होगी एक बार जरूर से कमेंट करके बताना। खैर यहाँ से हम आगे निकल रहे थे, एक बंदा यहाँ पे था। नए सामने वाले पे चलने तुम उतर जाना साथ में। वेरोस में दिखा था मुझे बंदा। हाँ वेरोस में तो है ना। अरे पीछे, अरे पीछे भी बंदे, शील्ड बना लो। नाइस, गया गया, खत्म खत्म पीछे।
बंदा वीरोस भाग गया और काफी टाइम बाहर अंदर कर रहा है, तो मैं एक परफेक्ट टाइम का वेट करता हूँ कि मैं उसे नॉक फिनिश कर पाऊँ। नॉक कर दूंगा तो भाई थोड़ी देर फिर रिवाइव हो जाएगा, एंड जैसे ही मैं अब गाड़ी लेके आ गया तो सबर का बटन टूट जाता है मेरा, तो मैं आ गया हूँ तब देखता हूँ नहीं भाई ये बंदा जो है जंप कर रहा है, तो मैं बोलता भाई अब भी नहीं मिलेंगे। एंड पिछले मतलब गाइस देखो बीच मैच में अगर मिलते हैं ना तो इससे तुम भी मरोगे मैं भी मरूंगा बेफालतू की ये जो फाइट्स होंगी भाई, मतलब इससे बड़े हम फाइट लेंगे आखिरी तक तुम बचे रहो तब तक हम फाइट लेते हैं या फिर आप भी फाइट ले लो बाकी हम आखिरी तक बचे रहेंगे। एंड देखो एक बार सर्कल देखो कितना छोटा रह गया, एंड अभी 25 बंदे अलाइव है, तो मैं बोलता भाई घर पकड़ लो। फेको नेट नेट फेको नेट फेको मैं फ्यूल फ्यूल ही गया नहीं सीढ़ियों पे बैठा है बीच में शायद साउंड से ये तो अब यहाँ पे तो इस घर को हम होल्ड कर लेते हुए देखो एक घर चाहिए था अपने को एक, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जबरदस्ती का, बस ये करना था कि मतलब जोन में रह पाए जिस वाले घर से, मतलब बाकी तो हमें मारना भी था बंदों को, लेकिन भाई एक घर जरूरी था जिससे हम कवर ले लेके मारे। लेकिन जितने में भी हाथ है तभी में पीछे भी एक बंदा उधर बंदा है वो देखो पत्थर पे पड़ी 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 अरे अरे नहीं रस आ गया उतर गया अब ये वाला बंदा भाई स्प्रे देने के टाइम के लिए तो बहुत गंदा लैग हुआ, मतलब स्प्रे डायरेक्ट एक बैक टू बैक दिए जा रहा था ना स्प्रे, लेकिन एक टाइम ऐसा है जब ये बंदा एकदम से आगे पीछे हो गया और मेरा पूरा स्प्रे मतलब कनेक्ट होता होता रुक गया, लेकिन आखिर तक उसे हेड मारा और इसी गेम ओवर कर दिया। एंड अब जो है कुछ और बंदे आखिर के जिन्हें हम ढूंढ के मारने वाले हैं, लेके आ जाना फिर हम जा रहे हैं। तो वहीं पे लेटा पड़ा है जिधर मैंने तुमको रोका था लेटा अभी भी लेटा है उधर ही यार, मैं शील्ड तोड़ रहा था उधर, ये बोला है शील्ड बना ले। मार्क द लोकेशन पे पता है बिना इसको खोल के उधर शील्ड पे मारता था सॉरी गाड़ी आ रही अपनी ओपन है जीव किधर गया हाँ हाँ उधर ही जा रहा हूँ पूरा थोड़ा हाय नो के मतलब इसका इधर और होगा देखो यार जो अब आखिरी वाला बंदा था भाई उसको मारने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी, मतलब पूरा गेम एक तरफ उस आखिरी वाले बंदे को मारने के लिए एक तरफ मतलब इतना टाइम देना पड़ गया। मैं बहुत तेजी में गाड़ी को मारता, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हैक लगा रखा था, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके खुद दिखा रहा हूँ आपको कि भाई कितना मेहनत करा हूँ उस बंदे को मारने के लिए। हमने हर जगह कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उस बंदे को, मैंने ऐसा चल रहा हूँ बार बार गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, फिर एक नई गाड़ी मंगवाई, फिर मतलब साइड में गाड़ी जिनको हमने मारा था ना गाड़ी कूप वाले उनकी गाड़ी उठाई, उनकी गाड़ी लेके जा रही है यहाँ पे हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म, तो उसी कूप को मंगवाता हूँ और बोलता चले कूप लेके चल भाई। मतलब कितना ज़्यादा इस बंदे ने परेशान किया और देखो कि कहाँ मिलता है ये। अब मैं कूप लेके बहुत देर से घूम तो लेता हूँ, अब जो था सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब जो शक मेरा जा रहा था वो नीचे आता पानी की तरफ, क्या पता है पानी में डूब रहा हो क्या पता, जैसे मैं इधर आता हूँ कोई नहीं दिखता कोई नहीं दिख रहा और धीरे धीरे मैं आगे जा रहा होता हूँ तभी अभी भी लेकिन सामने वो देखो पेन फेंक मारो
पेन फेंक के मारो भाई। एक और दुखे पेन एक और लो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। अरे वो रुको रुको बैठेगा बैठेगा ऊपर देख रहा है लेकिन वो देखने दो ना वो जाके और भी नीचे घुस गया भाई गलत मर जा। तो फिर मैं दो बार पैन फेंका और दोनों बार बंदा साइड हट जाता है, जहाँ फेंकता हूँ वहीं के पास हट जाता है, वरना एक पलटा बंदा पैन के साथ खत्म। तो गाइस एक बार जरूर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, साथ ही आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई आपका सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा इस गेम से है। ठीक है चलो गाइस बाय बाय।